मजदूरों को वापस लाने के बाद अब यूपी सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की बड़ी तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने के लिए एक प्लान तैयार किया जाए और 3 दिन में ये प्लान उनके सामने रखा जाए। इस प्लान के तहत अधिकारियों को उन सभी मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक करीब 5 लाख मजदूर यूपी में वापस आ चुके हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए योगी सरकार का एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है और इसके तहत दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके जो मजदूर हैं उनको वापस लाया जाएगा। मजदूरों को वापस लाने के लिए दूसरे राज्यों में काम कर रहे जो नोडल अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने सभी अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। लिस्ट तैयार होने के बाद दूसरे राज्य सरकारों के सहयोग से यूपी बॉर्डर तक सभी मजदूरों को लाया जाएगा। यूपी बॉर्डर पर आने के बाद सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके बाद कोरोना की जांच के लिए सभी मजदूरों के सैंपल भी लिए जाएंगे। सभी मजदूरों को उनके जिलों तक भेजने के लिए बॉर्डर पर ही बसें मुहैया कराई जाएंगी। जिन जिलों में मजदूरों को भेजा जाएगा वहां भी उन्हें राहत शिविरों में 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। राहत शिविरों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद मजदूरों को घर भेज दिया जाएगा। घर भेजने से पहले सभी मजदूरों को राशन और 1,000 रुपए भी दिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने के योगी सरकार के फैसले की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तारीफ की और ट्वीट किया कि अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर यूपी सरकार को साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। अगर इसी तरह सकारात्मक रुख से देश के हित में हम सब कॉर्पोरेट करते दिखेंगे तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। ये सरकार केवल निर्णय लेती है और वह निर्णय अखबार में छप जाता है, चैनलों में दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर उसका पालन बहुत ही कम दिखाई देने को मिलता है। कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार पहुंचने के बावजूद महाराष्ट्र की कुछ सब्जी मंडियों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सोलापुर की एक मंडी में भी सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने खरीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया। सब्जी मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दी। कोरोना के फैलने के डर के बावजूद सभी ने एक दूसरे के करीब खड़े होकर सब्जियां खरीदी। कई लोग तो बिना मास्क पहने ही सब्जी मंडी पहुंच गए। कमोबेश ऐसे ही हालात राजधानी मुंबई की एक सब्जी मंडी में भी देखने को मिले, जहां पुलिस के मौजूद होने के बाद भी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंडी में पहुंचे कुछ लोग ही मास्क और कपड़े से अपने मुंह को ढके नजर आए, जबकि कई लोग तो बिना काम के ही वहां घूमते दिखाई दिए।